असलम डेर स्टूडेंस मैं हूं हम जैश और आप देख रहे हैं रिचल एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स डी स्टूडेंट्स आज जो है वो यकम फरवरी 2023 हज़ार है और आज हम बात करेंगे जो पंजाब एसोसमेशन के जो जितने भी रिटर्न है टेस्ट जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक जब एक्सपेक्टेड हैं जो कि तौर पर हम बात करेंगे जो पंजाब फूड अथॉरिटी और जो लटेसी डिपारमेंट है उसके एग्ज़ाम जब कब एक तक, तक एक्सपेक्ट है तो आपके सामने जो पी पी एस की मैंने ऑफिशल वेबसाइट खोली हुई उधर हम सर्च आउट करेंगे सुपरवाइजर की जो है वो सर्च आउट करते हैं तो फूड इंड सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो ये सामने आगे आ रहा है जी ये जो है वो कब एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया तो इसकी जो नंबर ऑफ पॉजिटिव बत्तीस हैं और एप्लीकेंट्स जो है वो नाइन नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर एप्लीकेंट्स हैं अगर इसका मार्क्स स्टेटस आ, रिमार्क जो स्टेटस है अगर आप सेकंड जो लास्ट पैराग्राफ इसके अंदर देखें तो ये अभी तक जो है इन प्रोग्रेस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अभी तक जो है इस जॉब के बारे से जो रिटर्न टेस्ट है जो तहरी इम्तान होना है उसकी जो है वो डेट अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं की गई इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है वो लिटरेसी डिपार्टमेंट है उसके जो है वो एग्ज़ाम जो है वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं तो इसका जो है मोनीटर की जॉब्स थी तो मोनीटर को हम सर्च आउट कर लेते हैं इसके अलावा जो है वो इसमें जो है दूसरे भी जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं तो लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो है वो इधर जो है वो लिटरेसी जो है मोनीटर्स की हम बात करेंगे तो लिटरेसी मोनीटर्स जो है वो इसको हम सर्च आउट कर लेते हैं जी तो ये जो है लिटरेसी जो है मोनीटर्स ये आप पास आ जाएंगे जी ये मोनीटर्स फोटीन स्केल की जॉब थी और इसमें जो है वो सेवेंटी टू पोस्ट थी और ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोटी थ्री अपलिकेंट्स जो है वो आए हैं इसमें और इसका अगर आप मार्क स्टेटस देखें तो इन प्रोग्रेस जा रहा है तो अब कहने का मकसद क्या है कि जितनी भी जॉब्स हैं आस पास लिट्रेसी डिपार्टमेंट हो गया या दूसरी खासतौर पर फूड डिपार्टमेंट हो गया तो इनके टेस्ट वो डिले हुए जा रहे हैं अभी लिट्रेसी डिपार्टमेंट का तो अभी जो है वो आप कह सकते हैं कि करीब में जो है एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं लेकिन फूड डिपार्टमेंट के एटलीस्ट जो है वो चार से पाँच माह जो है वो गुजर गए हैं तो अब ये इसके यिटेल मैं आपको बताता बताऊँ कि क्यों लेट होने की वजह सबसे बड़ी वजह ये थी कि पहले जो वाहम चल रहा था कि डिपार्टमेंट को सीटें दी जाएंगी फूड अथॉरिटी की लेकिन फिर बाद में जो है वो पंजाब पुलिस के पास ही रहने दी गई क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट टूट गई अब जो है वो आपके पास पता है कि जो है वो एक आर्जी तौर पर गवर्नमेंट चल रही है तो इसमें इनशाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने के काफी चांसेज हैं थोड़ा सा जो है मामला स्टेबल होते हैं तो अगर तो इलेक्शन वगैरह जो ले होते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो इनशाला जल्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो आपने तैयारी वगैरह जारी रखनी है टेस्ट इनका इनशाला इनके होंगे कभी ऐसा नहीं होगा कि इनके टेस्ट जो वो कैंसिल हो जाए तो अल्लाह पाक जो है आप सबको कामयाब काम कोई भी इशू आपको व्हाट्सअप नंबर जो है रहा कर सकते हैं इसके अलावा आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है उसमें प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी नेक्स्ट वे तक इजाजत दीजिएगा जी अल्लाह हाफिज़